नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन व्लॉग में, जहां पर आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे संगमेश्वर कॉलेज में बेहतरीन फ्रेशर्स पार्टी और गेट टुगेदर पार्टी, जिसके लिए जो है अभी हम मैं और पिताजी जो है जा रहे हैं। सबसे पहला जो है अपने को यहाँ से सूर्य होटल को जाने का है, मैकेनिकल गली में जो है वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की, फिर उसके साथ साथ थोड़ी मीटिंग है, फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह वहाँ से हवा बूट के दुकान जाएंगे, वहाँ से जो है मेरे लिए जूते खरीदी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वहाँ से मैं ऋषिकेश और अनिकेत जो है सीधे कॉलेज जाएंगे, एकदम ग्रैंड एंट्री लेंगे और उसके बाद जो है बेहतरीन कार्यक्रम में जो है एंजॉय करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते आज के इस बेहतरीन व्लॉग को। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है कोंडा नगर के पास हमारी गाड़ी का टायर फूटा। अच्छा हुआ खुदा की फजल से जो है हमें बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे ट्रैफिक की वजह से, अगर गाड़ी फास्ट रही होती तो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ होता बहुत ही खतरनाक, लेकिन जो है फॉर्चुनेटली हमें कुछ वेस्ट होनी है अल्लाह ताला के फजल से। अभी जो है पहला पंचर वगैरह निकालेंगे तो पंचर निकाल को जो है सीधा अपने को जाने आता सूर्य होटल। चलो फाइनली अपने को यहाँ जगत गुरु प्रशाली के पास जो है बेहतरीन तरीके से पंचर निकालने वाले मिले, अगर नहीं मिले होते तो और हम ना वहाँ इसके तक जाना पड़ा होता अक्कलकोट नाके तक, लेकिन अच्छा हुआ ऊपर वाले की फजल से इन्होंने जो है संडे को बंद नहीं रखते बोलते दुकान, तो बेहतरीन तरीके से पंचर वगैरह निकालेंगे अभी और निकालने के बाद जो है सीधा सबसे पहले सूर्य होटल को जाएंगे बोलते। चलो भाई लोग फाइनली जो है अपन सूर्य होटल पहुँचे, मैं ज़िंदगी में पहली बार जो है सूर्य होटल को आया हूँ, हमेशा यहाँ से जाता, हमारी बुआ जी का घर जो है यहीं पर पीछे था पहले, तो हम बहुत बार आते थे लेकिन मुझे पता नहीं था ये होटल है बोल के, मुझे कोई कार वॉश सेंटर वगैरह लगता था। बचपन में बहुत सारे कार वगैरह रुकते थे ना, ये 5-स्टार होटल है यहाँ पर कार नहीं रुकेंगे तो फिर क्या रुकेगा, तो मुझे क्या लगता था भाई ये कार वगैरह धोने की कोई जगह है क्या, लेकिन बहुत ही आलीशान होटल है, बहुत ही बेहतरीन होटल है। और अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा लेट हुए मीटिंग के लिए, लेकिन फिर भी जो है मीटिंग वगैरह मिली, बातचीत वगैरह हुई, और अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ पर खाना वगैरह खा के थोड़ा देर बैठ के ट्रॉफी वगैरह लेके जो है सीधे हम निकलेंगे बोलते, देखेंगे अभी क्या होता क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं 2 बजे तक अपने को क्या भी कर को कॉलेज को पहुँचना है क्योंकि अपने को एंकरिंग का काम मिलेस वाला है और अपन सब स्क्रिप्ट की वगैरह तैयारी वगैरह करने का और सब बरोबर स्टेज वगैरह बने क्या नहीं वो देखने के लिए जाना है, तो फिर चलो देखते थोड़ी देर में क्या होता आगे। चलो वहाँ से आया मैं, मतलब कार्यक्रम अभी बहुत बचे है, अब्बा बैठते बोले मेरे ट्रॉफी भी देने वाले थे मुझे उन्होंने, लेकिन यार कॉलेज में फंक्शन है ना यार, देख 2:30 बजे ले भाई तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ। अभी मुझे जूते भी लेने के हैं, अभी पहला हवा को जाना पड़ेगा मुझे वो भी है, तो इनको बोले फिर देखना अनिकेत और ऋषिकेश आतो बोले ले अभी क्या आए नहीं उन्होंने, हाँ इसके कने ही कर को बोले थे बाड़े कने लास्ट टाइम जब मैं फ़ोन लगाया था तब, तो देखें कब आते उन, आने के बाद जाने आते। बहुत देर तक रुकने के बाद जो है कोई रिक्शा वगैरह नहीं मिली तो सीधा मैं चलते आया, और आने के बाद जो है पहला हवा में जूते वगैरह खरीदी करे फॉर्मल, और अभी अपने अनिकेत भाई और ऋषिकेश भाई अपने को लेने के लिए आए सोई, तो उनके साथ जो है सीधा अभी कॉलेज में जो है बेहतरीन तरीके से हमें एंट्री ले सोए सामने के गेट से डोम के पास से, और बेहतरीन तरीके से तैयारियाँ चालू हुई, मतलब अभी भी जो है स्टेज वगैरह बिठाने का काम चालू है, थोड़ा लेट वेला है लेकिन फिर भी जो है बेहतरीन तरीके से काम चालू है। चलो भाई लोग मेरी ना और उसके साथ साथ साक्षी वाले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है इस बेहतरीन कार्यक्रम को बनाने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है इस पूरे कार्यक्रम को सेटअप करने के लिए, और हमारे रोहित पाटिल साहब भी जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पूरा साउंड सिस्टम का काम देख रहे हैं, और धीरे धीरे कर सभी कोऑर्डिनेटर सभी लोग जो है आ रहे हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए, तो तब तक देखेंगे आगे क्या होता, अभी बहुत सारे लोगों का आना बाकी है, देखते आगे क्या होगा। चलो भाई लोग इस शानदार सेरेमनी में इस शानदार पार्टी में जो है धीरे धीरे कर सभी लोग शामिल हो रहे हैं, धीरे धीरे कर ग्रैंड एंट्रीज जो है सभी लोग ले रहे हैं, तो इनकी इस बेहतरीन ग्रैंड एंट्रीज पर जो है मुझे ये बेहतरीन गीत याद आ रहा है, तो ये बेहतरीन गीत आप सभी लोगों के पेशे खिदमत है। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिलबर है दिलकश है दिलदार नज़ारे हैं, आज जमी पर उतरे कितने सितारे हैं, अखलो होश नमी दानम, हम हैं दिल हैं और जानम, ओ बस दीवानगी दीवानी दीवानगी दीवानगी है, ना कोई रहजन या रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, हो बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om,
ऑल कूल बॉयज कम ऑन मेक सम नॉइज एंड से ओम शांति ओम। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा ही तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस घुली है मध्यम मध्यम, ये तो इशारे हैं। अखलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम। ओ बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहजन या रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर। हो बस दीवानगी 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 है। ऑल हॉट गर्ल्स पुट योर हैंड्स अप एंड से ओम शांति ओम। All cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om। चलो बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोगों की एंट्रीज जो है यहाँ पर इस बेहतरीन पार्टी में हो रही हैं। इस शानदार पार्टी में जान डालने के लिए हमारे रोहित पाटिल भाई ने जो है बहुत ही बेहतरीन डीजे जो है अक्कलकोट से बुलाया है, जिनका आवाज़ जो है आप अभी सुनी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये म्यूज़िक बजा रहे हैं। अगर आप भी इन्हें बुलाना चाहते हैं तो इनका नाम है मीना डीजे अक्कलकोट, और डीजे का नाम है डीजे राहुल, जो हमारे फॉर्चुनेटली जो हैं क्लासमेट हैं, और उनका नंबर है 7887899518। ये आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पर गीत बजा रहे हैं, तो इनके इस बेहतरीन डीजे वर्क का एक झलक आप सभी लोगों के लिए। आज की इस शानदार पार्टी में चार चांद लगाने के लिए हमारे थर्ड ईयर के सभी मित्रगण भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, जिनका आशीर्वाद जो है हमें मिल रहा है। और उसके साथ साथ इस शानदार पार्टी में जान डालने के लिए, हम सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर जो है हमारे सभी शिक्षक गण भी जो है आ चुके हैं, जिसमें जो है हमारे अर्जुन सर थोड़ी देर पहले आ चुके हैं, और अभी जो है हमारे बिग बॉस हमारे काले सर भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी लोगों की एंट्रीज जो है यहाँ पर हो रही हैं। और अभी जो है हमारे फर्स्ट ईयर के सभी स्टार जो है न्यू जो स्टार हैं वो भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, जिनकी एंट्री भी जो है बहुत ही शानदार तरीके से हो चुकी है। और ये सभी लोग जो हैं बहुत ही होनहार है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो इन्हें देखकर जो है मुझे भी उत्साह आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे सेकंड ईयर के भी सभी मॉडल लोग भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं, और धीरे धीरे कर जो है ये पार्टी और भी ज़्यादा रंगीन हो रही है, और धीरे धीरे कर इस बेहतरीन पार्टी में और भी ज़्यादा रंगत जो है आ रही है, और सभी लोग बेहतरीन तरीके से इस पार्टी में तैयार होकर आए हैं इस पार्टी में शामिल होने के लिए, इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए। तो फिर चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारियां हो रही हैं, और अभी जो है थोड़ी देर में ये शानदार कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। तो इसीलिए जो है मैं सबसे पहले अभी स्टेज पर आ चुका हूँ, क्योंकि अभी स्टेज को मॉनिटर करने का काम, एंकरिंग करने का काम मुझे और मेरी पूरी टीम को जो है दिया गया है। तो थोड़ी देर में मिलेंगे इस बेहतरीन शो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस बेहतरीन व्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस बताओ, और उसके साथ साथ इसके अगले चारों एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है जाने से पहले सब्सक्राइब करो। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है आज के इस शानदार फ्रेशर्स पार्टी की और गेट टुगेदर की जो है शुरुआत हो चुकी है। सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है एंट्रीज ले चुके हैं, और उसके साथ साथ डीजे भी तैयार है, उसके साथ साथ नाश्ता भी तैयार है, सभी चीज़ें तैयार है, टीचर्स भी तैयार है, सीनियर्स भी तैयार है, जूनियर्स भी तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं, और थोड़ी देर में ये शानदार पार्टी जो है शुरू होने वाली है, जिसके सूत्र संचालन का पूरा काम मुझे और मेरी टीम को जो है दिया गया है, और जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे सेकंड ईयर के क्लास के सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो फिर मिलेंगे सीधा इसी बेहतरीन सीरीज के अगले एपिसोड में। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, जय।